हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास एट के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। मैंने रिप्रोडक्शन पहले बता दिया था, अब ये बताना है कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर देख लेंगे लिखा है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जन्म कितने प्रकार का होता है, ये चीज़ आपको बतानी है। इसमें मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन की जो डिफिनेशन होती है कि ऑल एनिमल है ये स्पेशल टाइप ऑफ कैपेसिटी और क्वालिटी विद द हेल्प ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो ये हमारा हो जाएगा रिप्रोडक्शन की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद हमें बताना है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हम बताएंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है देयर आर टू टाइप्स, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम दोनों का नाम लिख लेंगे कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दो टाइप में कौन कौन सा हो जाएगा तो देख लेंगे। जैसे मैं कहूँ रिप्रोडक्शन का टाइप है तो आप यहाँ पर दो टाइप में कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा दो। इसमें कहूँ यह हो जाएगा, तो पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पर देख लेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा। पहला हमारा हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला हमारा हो जाएगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और दूसरा हमारा हो जाएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह बताना होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा मैंने बताया था, इसमें केवल एक ही पेरेंट के द्वारा होता है। जैसे मैं बता दूँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देख लेंगे इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कह रहा होता क्या है। इसमें बताएंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर दोज रिप्रोडक्शन इन विच डू नॉट, या लिख सकते हैं कि नॉट फॉर्मेशन ऑफ द गैमिट्स ओव आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। इसमें कभी भी कोई गैमिट नहीं बनता है, इसमें मेल फीमेल का रिकॉग्निशन नहीं होता है, और यह रिप्रोडक्शन कभी भी हायर एनिमल में नहीं होता है। और इसमें कह रहा है कि हमेशा जो डॉटर सेल्स डॉटर या अगले एनिमल बनते हैं वह एनिमल हमेशा अपने पेरेंट के सेम टू सेम होते हैं एंड पेरेंट के समान होते हैं। देखो इसमें मैं यह कह दूँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्वालिटी यह है कि इसमें गैमिट नहीं बनते हैं, क्या होगा गैमिट नहीं बनते हैं। दूसरा पॉइंट यह हो जाएगा, यह हमेशा कह रहा है कि सिंपल एनिमल में होता है, कह रहा है कि सिंपल में होता है, सिंपल प्रकार के टाइप्स के एनिमल जो होते हैं उसमें होता है। तीसरा पॉइंट यह होगा कि इसमें मेल फीमेल का कोई भी मेल ओवर फीमेल कोई एक सदस्य होता है उसी के द्वारा हो जाता है, ऐसा नहीं कि दोनों का रिकग्निशन होगा। अगला पॉइंट यह हो जाएगा कि इसमें और यह जो होता है बहुत ही कॉमन मेथड होता है, इसमें कह दूं कॉमन मेथड होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देख लेंगे सारे पॉइंट्स, इसमें गैमिट नहीं बनता है और यह हमेशा सिंपल टाइप्स के एनिमल में होता है, किसमें होता है सिंपल टाइप्स के एनिमल में होता है, मेल और फीमेल का कोई रिकॉग्निशन नहीं होता है, कॉमन मेथड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके बाद मैं यह कह दूं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं कह दूं सिंपल टाइप के एनिमल में अगर बता रहे हैं होता है, तो मैं ये कहूँ कि सिंपल टाइप्स के एनिमल में किसमें होता है एग्जाम्पल बताइए। तो यहाँ पर मैं यह कह दूँ एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा
कह रहा है कि पैरामीशियम क्या हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, पैरामीशियम होता है। इसके बाद आप बताओगे कि युगलीना में होता है, इसमें होता है युगलीना में होता है। इसके बाद आप बताओगे कि अमीबा में होता है, किसमें होता है, इसमें होगा। तो आप बताओगे कि अमीबा में होगा, अमीबा में। ये तीन ऐसे एनिमल हैं जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बात ये आएगी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायग्राम के माध्यम से हम दिखाएंगे कैसे होता है। तो जैसे मैं कह दूं कि यह जो रिप्रोडक्शन में, जैसे मैं कह दूं कि बैक्टीरिया में हो रहा है, इसमें हो रहा है बैक्टीरिया, तो यहाँ पर इसको तो पैरेंट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, पैरेंट बॉडी हो गई। पैरेंट बॉडी जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आगे मैं बता दूँ कुछ इस तरीके की संरचना बनती है, कुछ इस तरीके की संरचना बनती है। और यहाँ से दोनों पार्ट्स अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद न्यू बॉडी का निर्माण हो जाता है। अब मैं कह दूँ कि इसमें मैंने ये नहीं लिखा है कि यह जो पैरेंट बॉडी है यह मेल है कि फीमेल है, यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। और मैंने यहाँ पर नीचे ये नहीं लिखा गया है कि यहाँ पे इसको हम गैमेट बोलेंगे, गैमेट का जिक्र नहीं मैंने किया है। डायरेक्टली इसकी खुद पैरेंट की बॉडी दो भाग में डिवाइड जाती है और न्यू डॉटर सेल्स की, न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है। तो इस प्रोसेस को कह रहा है क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि ये, इसी प्रोसेस को कहा जाता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जनन की, ये सेक्सुअल जनन की, ये सेक्सुअल का लैंगिक प्रक्रिया कहलाएगी। इसमें होता है पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा। अब मैं ये कह दूँ कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है क्लास 8 के लेवल के हिसाब से बताना है कितने टाइप का होता है। तो इसमें मैं ये बता दूँ कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वैसे 5 टाइप का होता है, लेकिन आपके क्लास में सिर्फ कोर्स में जो बताया गया है उस कोर्स के हिसाब से मैं बता दूँ आपको कि सिर्फ इसमें क्लास 8 के हिसाब से 2 ही टाइप का बताना है। इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वैसे 5 टाइप का, आगे जाएंगे तो मिलेगा। यहाँ पर आपको बताना है 2 टाइप। पहला हमारा है, कह रहा है कि बाइनरी फ्यूजन है, क्या हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन। और दूसरा हमारा कह रहा है कि, दूसरा हमारा कह रहा है कि बताना है आपको बडिंग, क्या बताना है दूसरे में आपको, कह रहा है कि बडिंग बता दीजिए, बडिंग क्या होता है। तो इस तरीके से हमारा जो रिप्रोडक्शन है 2 टाइप का हो जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का हो जाता है, बाइनरी फ्यूजन है और बडिंग। अब देख लेंगे बाइनरी फ्यूजन है और एक हमारा हो जाएगा बडिंग। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन में ये होता है कि इसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन को, कह रहा है कि बाइनरी फ्यूजन को हम बोलते हैं, कह रहा है कि खंडन बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विव विखंडन बोलते हैं। बाइनरी फ्यूजन को बोलते हैं द्विव विखंडन बोलते हैं। और इस विखंडन में कह रहा है कि एक एनिमल, जैसे मैं कह दूँ एक एनिमल दो भाग में डिवाइड जाता है समसूत्र विभाजन के द्वारा। तो ऐसा होता किसमें है, तो ऐसा कह रहा है कि ऐसा होता है हमारा अमीबा में, किसमें होता है, मैं बता दूं आपको, ऐसा होता है अमीबा में। ऐसा किसमें होता है, अमीबा में होता है। यह अमीबा का डायग्राम है और यह क्या करता है, यह अमीबा जैसे आगे जाता है और अपने ही बॉडी में, जब मैं कह दूं इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्शन का निर्माण करता है और यहीं से 2 अमीबा हमारा यहाँ पर निर्माण हो जाता है, एक इधर हो जाएगा और एक यहाँ से इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कह दूँ इस तरीके से देख लेंगे कि 2 अमीबा का निर्माण हो गया यहाँ पे। तो यह कौन सा प्रोसेस है, तो इसे बताएंगे यही हमारा बाइनरी फ्यूजन है। और यह किसमें होता है, तो बाइनरी फ्यूजन हमारा होता है
मैं यह कह दूं कि बाइनरी फिजन किस में होता है, तो बाइनरी फिजन में कह रहा है कि यह हमारा होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहला हो जाएगा पैरामीशियम में, किस में हो जाएगा, पैरामीशियम में हो जाएगा। इसके बाद मैं कह दूं अमीबा में हो जाएगा, ये देख लेंगे अमीबा। तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी फिजन का मतलब होता है द्वि विखंडन होता है। पहले अब इसमें दो विखंडन होता है, इसमें पेरेंट्स की बॉडी दो ही ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं द्वि विखंडन या बाइनरी फिजन कहते हैं। बडिंग में कह रहा है क्या होता है, तो बडिंग में हमारा होता क्या है कि बडिंग भी बताएंगे कि ये भी एक और लैंगिक जनन की प्रक्रिया है। इसमें कह रहा है कि इसमें एक विशेष प्रकार के एनिमल में होता है जिसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है, हाइड्रा नाम है उस एनिमल का, नाम क्या है तो उस एनिमल का नाम होगा यहाँ पर हाइड्रा। इस हाइड्रा के अंतर्गत यह हो जाएगा हाइड्रा का डायग्राम है। बडिंग में क्या होता है, बडिंग को बताएंगे कि द प्रोसेस ए सेक्सुअल प्रोसेस ऑफ द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच रिप्रोडक्शन द आउटग्रोथ ऑफ द आउटग्रोथ ऑफ द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर एक छोटा सा उघाड़ होता है, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बड। और उस आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। बड आर द बड आर द कनेक्टेड ऑफ द बॉडी देन मैच्योर कंडीशंस एंड आफ्टर दिस, और इसके बाद हमारा क्या करता है, यहाँ से डिवाइड होकर के अलग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। देख लेंगे बाहर बॉडी के बाहर एक हमारा कह रहा है एक ऐसे आउटग्रोथ बनाता है और इसी को बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बड। अब यह बड इससे कह रहा तब तक जुड़ा होता है कि जब तक कि यह मैच्योर ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए, परिपक्व ना हो जाए। परिपक्व होने के बाद जब इससे अलग होता है तो यह बॉडी क्या करती है, यह बॉडी फिर से आउटग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है इस तरीके से, और यहाँ से मैं कह दूँ फिर से हाइड्रा का निर्माण हो जाता है, इस तरीके से न्यू हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को ही बड के द्वारा होता है कली बोलते हैं और कलिका उत्पादन बोलते हैं। तो बड के द्वारा बडिंग होता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, बडिंग होता है। तो ये हमारा हो जाएगा बडिंग। तो हाँ एक बात और, किस में होता है, तो जैसे मैं कह दूँ इस एनिमल में, इस एनिमल का नाम क्या होगा, तो इस एनिमल का नाम हो जाएगा आपका हाइड्रा। क्या हो जाएगा, हाइड्रा। किस में हो रहा है, हाइड्रा में। और बाइनरी फिजन किस में हो रहा है, पैरामीशियम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए सर कितने मिनट कर रहे हैं, तो आगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर, यह रिप्रोडक्शन आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। और वीडियो देखो तो कमेंट करो, शेयर करो, और उस पर अपना रिस्पांस कुछ बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके बाद उसमें सुधार किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन।